शुभ प्रभातम। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अवस्थित कला संकाय प्रेक्षागृह आपको दिखाते हैं। यहाँ पे राज कमल प्रकाशन के द्वारा एच एन त्रिपाठी हॉल में किताबों की प्रदर्शनी लगी है। ये हरिहरनाथ त्रिपाठी हॉल है, एच एन त्रिपाठी हॉल। आप देखो ये हॉल है, राज कमल पब्लिकेशन समूह के द्वारा यहाँ पर किताबों की प्रदर्शनी लगाई गई है। हाँ प्रणाम सर। हाँ हाँ बताएं, बैठे रहिए। आज यहाँ ऐतिहासिक कला सामाजिक विज्ञान संकाय में और जहाँ स्मृतियाँ हैं डॉक्टर राधाकृष्णन की कक्षाओं की, ऐसी जगह में हरिहरनाथ त्रिपाठी सभागार में ये जो राजकमल प्रकाशन समूह की पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित है, इसमें आ जाके बहुत अच्छा लग रहा है। राजकमल प्रकाशन यानी हिंदी प्रकाशन का जो ज्ञान कांड है और उसका जो रचनात्मक और वैचारिक पूरा परिसर है, उसको राजकमल प्रकाशन का इतना बड़ा आधार मिलता आया है लंबे समय से, रचनात्मक साहित्य और वैचारिक साहित्य दोनों का इतने लंबे समय तक जो हिंदी पुस्तकों का प्रकाशन राजकमल ने किया है, ये खुद हिंदी जगत के लिए तो एक बड़ी बात है ही। भारत में दूसरी भाषाओं के भी जितने प्रकाशन हैं उनमें राजकमल प्रकाशन ने अपना एक गौरवशाली इतिहास बनाया है, और मैं सोचता हूँ कि जब तक पढ़ने वालों की दुनिया आबाद है राजकमल प्रकाशन का नाम ऊँचा रहेगा। फिर एक चीज़ बताया जाए, जैसे विद्यार्थियों के बीच में किताबों को लेकर जी जैसे कुछ बच्चे जो नए नए हों तो कुछ बताइए कौन कौन सी चीज़ें उन्हें ज़रूर पढ़नी चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल, ज़रा सा उन पे बताइए तो दो चार चीज़ें जो हैं। इस हर समय में एक ख़ास दौर में कुछ चीज़ें ज़्यादा कहना चाहिए कि एजेंडा पर होती हैं, जाहिर है कि उनके लिए बहुत मांग होती है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आधारभूत हैं, जैसे हमारे देश का अपना इतिहास, अपने देश की दर्शन परंपरा, विचार परंपरा, संस्कृतियों का जो वैविध्य है, इस सब की जानकारी हमारे विद्यार्थियों का होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावे जो विश्व स्तर पर भी भूमंडलीकरण की प्रक्रिया के बाद जो एक बहुत बड़ा अंतर आया है समाज में, पूरे विश्व समाज में, उसके बारे में भी सचेत होना चाहिए। इसके अलावे कुछ नए विचार हैं उत्तर आधुनिकता के दौर में, इन नए विचारों के बारे में भी खास तौर से सोवियत संघ के विघटन के बाद एक संकट है, दुनिया समाजवाद की ओर जाए या उदारवाद की ओर जाए या दोनों ही अपर्याप्त हैं, इसलिए भी बच्चों को अपने ज्ञान का क्षेत्र खोलने के लिए ज़रूरी है कि वे कुछ न कुछ समाज विज्ञान के ये जो विषय हैं उनकी ओर ध्यान दें। मैम गुड मॉर्निंग, कुछ कहेंगी? असल में बच्चों के बीच में मैं देख रहा हूँ कि मोबाइल पे इतना ज़्यादा समय गुजरता है, तो जो भीड़ बहुत पहले उमड़ती थी पुस्तक प्रदर्शनियों में उसमें थोड़ी सी घटोत्तरी होती है। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन पढ़ने वाले अभी भी है। अच्छा। और आते हैं और नई पुस्तकों को पलटना बहुत लोगों को बहुत अच्छा लगता है, तो मैं देख रही हूँ लगातार कि काफ़ी विद्यार्थी और हमारे अध्यापक भी
एक यू नो जैसे डेट इन द कैलेंडर हो जाता है कि जाना है पुस्तक प्रदर्शनी देखनी है, तो ये एक अच्छा पॉजिटिव संकेत है कि अभी भी पढ़ने वाले लोग हैं और विद्यार्थियों में भी रुचि है। अलबत्त संख्या शायद कम हुई होगी, बट उसका स्टैटिस्टिक्स नहीं मैंने कभी सोचा, क्योंकि मुझे लगता है कि पाठक 10 भी हो तो वो फिर चर्चा करते हैं और लोगों से, तो खास खास बातें समाज में डिस्कस होती रहती है, तो वो एक उसका लाभ होता है। और मैं उस पीढ़ी को बिलोंग करती हूँ कि हमें किताब हाथ में लेके जो पढ़ने पलटने में आनंद आता है वो स्क्रॉल करने में नहीं आता है, तो हमारे जनरेशन के लोग तो आते ही आते हैं। और नहीं, नई पीढ़ी भी आए, हाँ ये आते हैं। और मुझे एक अच्छा लगता है कि कई सारे हमारे जो जनजातीय वगैरह कवि हैं उनकी भी प्रतिभा यहाँ लोगों को देखने को मिलती है, पढ़ने को मिलती है, तो उसका प्रचार प्रसार होता रहता है। आजकल नारीवादी साहित्य का भी बहुत बोलबाला है, तो कई सारी पुस्तकें एंड खासतौर पर राजकमल में मैंने देखा है कि उस प्रकार का साहित्य विद्यार्थियों को बहुत आसानी से उपलब्ध होता है, कम पैसे में उपलब्ध होता है। यहाँ की किताबें आप अगर अमूमन देखेंगे तो सबके लिए अफोर्डेबल रेंज में, और डिस्काउंट भी देते हैं लोग, डिस्काउंट भी देते हैं, एंड अफोर्डेबल है ही, अपने आप में बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है। तो उसमें क्या होता है कि अब वो पाठ्यक्रमों में भी नारीवादी साहित्य का काफ़ी अध्ययन का विषय रहता है, जनजातीय अध्ययन का विषय रहता है, पर्यावरण से संबंधित जो चेतनाएं हैं उसको लेके कुछ किताबें मिलती है, तो विद्यार्थियों का रुझान उसके प्रति भी हो रहा है। संख्या बढ़ेगी, चलिए आप सब, आप देखो लोग आए हुए हैं, और जरा सा प्रकाशन मंडल के कुछ लोगों से बात करते हैं। सर बताइए। मैं राजकमल प्रकाशन समूह से अंजनी कुमार मिश्र, राजकमल प्रकाशन सदैव से BHU में पुस्तक मेला लगाता रहा है। पहले हम RK हॉल में लगाते थे, लेकिन इस बार हरिहर नाथ त्रिपाठी सभागार हमको पहली बार मिला है जहां पुस्तक प्रदर्शनी लगी है। पुस्तक प्रदर्शनी भी इस साल में पहली बार लगी है, तो इसका श्रेय अब हम लोगों को जाता है। राजकमल प्रकाशन में सभी पाठकों के लिए, मतलब बच्चों से लेकर के बड़ों तक के लिए, हर विधा की किताबें उपलब्ध हैं, और हम इस पे 20% की छूट के साथ सब बच्चों को उपलब्ध करा रहे हैं, चाहे वो टेक्स्ट बुक हो चाहे जनरल बुक्स हो। किताबें हमारी सस्ती होती हैं सभी प्रकाशकों से, इसके लिए राजकमल प्रकाशन समूह जाना जाता है। ये कब से कब तक होगा सर? ये पुस्तक प्रदर्शनी 25 तारीख से 25 नवंबर से 30 नवंबर तक चलेगी। समय सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक है। चलिए सर, सारे विद्यार्थीगण को हमारी तरफ से भी सोचना है कि जो भी संपादक महोदय के द्वारा कहा गया उसका ध्यान रखते हुए इस पुस्तक प्रदर्शनी में आएँ और सुनियोचित लाभ उठाएं, और चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, ताकि सभी लोग लाभान्वित हों। बहुत बहुत धन्यवाद।